भागरगा रोड पीस कॉलोनी के जिम्मेदारों ने नईम खान को कांग्रेस में शामिल होकर गुलबर्गा नॉर्थ एमएलए कनीस फातिमा को जिताने में मदद करने पर फेलिसिटेट कर मुबारकबाद दी। एरिया के लोगों ने नईम खान की गई इस मेहनत को नजर में रखते हुए नईम खान का साथ देकर कांग्रेस के लिए और भी बेहतर काम करने का वादा किया। नईम खान के कई ऐसे कारनामे हैं जो आवाम के लिए बेमिसाल है, चाहे वो दरगाह एरिया की रोड का मामला हो, कोविड का मामला हो या फिर मुस्लिम इलाके से शराब खाने को हटाने का मामला हो, नईम खान हमेशा से आगे रहे हैं। एरिया के सभी लोगों ने नईम खान की इस मेहनत को नजर में रखते हुए गुलबर्गा नॉर्थ एमएलए कनीस फातिमा से अपील की कि नईम खान को कोई ऐसे ओहदे से नवाजे जिसके जरिए नईम खान लोगों की खिदमत को और भी बेहतर तरीके से अंजाम दे सके। दिस वीडियो प्रेजेंटेड बाय रायदान मल्टी क्विजीन रेस्टोरेंट, वैरायटी ऑफ ट्रेडिशनल फूड्स, अरेबियन, टर्किश, मिडिल ईस्ट, ग्रैंड इंटीरियर, जेन्युइन स्पाइसेस, हाइजीनिक किचन, एड्रेस टीपू सुल्तान चौक, रिंग रोड, गुलबर्गा। अलैकुम रहमतुल्लाहि वबरकातुहु। जनाब नईम खान साहब सदर पीस कॉलोनी और जनाब असद साहब और जनाब डॉक्टर साहब, मैं जो है मोहम्मद अली, आप लोग इससे पहले भी देखे होंगे सोशल मीडिया पे, जब मैं नानियाल में था अब दादियाल में आया हूँ मैं, तो लोगों को कुछ ये इससे कुछ ये होता होगा कि भाई ये आदमी उधर भी बोलता है इधर भी बोलता है, तो उसके लिए मैं तशरीह कर रहा हूँ कि मैं नालियाल में था जो मेरा भांजा है, मैं अब दादियाल में हूँ, ये मेरा जो है ना वाली साहब से शुरू से चलता है, हम कांग्रेस के ही कारकुन हैं। तो मैं जनाब नईम साहब का बर वक्त जो डिसीजन लिए हैं उन्होंने, उससे बड़े हमको जो है ना एक ये जिला मिली है कि जो सही डिसीजन लिए वो और उसको फुलफिल भी कर रहे हैं। वो ऐसा महसूस हो रहा है कि कुमार स्वामी किंग मेकर है बोलते थे, अब गुलबर्गा में जो है ना जनाब नईम खान साहब किंग मेकर है बोलते हैं। और हमें उम्मीद है कि हम जो है ना इससे पहले भी हम खान साहब के साथ ही थे, हाँ थोड़ा सा भटक गए थे फिर आ गए वापिस, तो इसके जो है ना खान साहब के खान साहब हमारे सदर मोहतरम है पीस कॉलोनी के, और हमेशा हम उनके साथ रहेंगे और दुआ करें कि खान साहब को लंबी उम्र दे और नेक ख्वाहिशात के साथ कांग्रेस पार्टी को जो है ना आगे बढ़ाने की कोशिश करें। मैं तमाम से गुजारिश करता हूं कि नईम खान साहब के हाथ मजबूत करो, उनका साथ दो, अब जो है ना खान साहब के जेर सरपरस्ती में आगे बढ़ने की कोशिश करें। खान साहब की जो मेहनत है हम सबको साथ लेके जो काम किए, इंशाल्लाह नईम खान साहब के कुर्बानी को धन्यवाद नहीं करते हुए उनका ख्याल करते हुए कुछ ना कुछ उनको पोजिशन देने की हम गुजारिश करते हैं, और मैडम कनीस फातिमा को बहुत बहुत मुबारकबाद देते हैं और उन्हें भी मिनिस्ट्री की जो है मिनिस्ट्री उनको भी देना बोल के हम भी इंतजार करते हैं। नईम खान साहब की कुर्बानियों के मद्देनज़र रखते रहते हुए ये सब नतीजे पर पहुँचे हैं। तो बहरहाल बोलने का मतलब ये है कि नईम खान साहब को धरना नहीं कर सकते, कुछ ना कुछ पोजिशन उनको जरूर देना चाहिए जो कि मेहनतों को चाहिए, बस बाकी और कुछ नहीं। इंशाल्लाह नईम खान आपके साथ ही हैं, पूरे कांग्रेसी हैं। 25 साल का मेंबर हूँ सोशल वर्कर बड़े घर, मेरी ख्वाहिश है नईम खान साहब को कुछ तो कुछ चेयरमैनशिप लेने की ख्वाहिश है, क्योंकि उन्होंने जो मेहनत करे हैं लास्ट में अल्हम्दुलिल्लाह पूरे गुलबर्गे को एकता ही लाए हूँ, नहीं तो बिखरे हुए थे, हम भी बिखरे हुए थे, उनके देख के हम भी इंशाल्लाह एंडिंग टाइम साथ दिए मैडम का, हम मैडम का काम है नईम खान साहब को कुछ तो कुछ अहदे में लेने, मेरी ख्वाहिश ये है बस मैडम से। अस्सलाम वालेकुम तमाम पीस कॉलोनी के सदर और नायब सदर तमाम मेम्बरान से मेरी गुजारिश है कि आप नईम खान साहब को आज गुलपोशी किए हैं, जिसकी बुनियाद है कांग्रेस पार्टी को किंग बनाने का कैरेक्टर हमारे नईम खान साहब का सबसे बड़ा कैरेक्टर रहा। आज जिम्मेदारी कांग्रेस पार्टी की ये भी हो सकती है कि उनका अपना किरदार अपना सामने रखे हुए हैं, और मैडम जिस अंदाज में आज वोट हासिल किए हैं उसमें सबसे बड़ा कैरेक्टर नईम खान साहब का मैं महसूस कर रहा हूँ। तमाम लोकल पब्लिक में इस किस्म का इरादा इजहार कर रही है पब्लिक, जिसकी बुनियाद नईम खान साहब हैं। कामयाबी की जिम्मेदारी तमाम अवाम में गुफ्तगू चल रही है कि खान साहब ने अपना कैरेक्टर
पूरी तरह से ईमानदारी के हक में, कांग्रेस पार्टी के हक में किया है।